महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका ने दारुल फलाह मस्जिद से लेकर संजय नगर नाके तक दुकानदारों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई उन दुकानदारों पर की गई है जिनके दुकान में सरकार द्वारा बैन की गई प्लास्टिक की थैलियां मिली हैं। प्लास्टिक की थैलियां बैन हो चुकी हैं, मगर इसके बावजूद दुकानदार इसे इस्तेमाल करते हैं और इसलिए दुकानदारों को भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। ठाणे महानगर पालिका की तरफ से बार बार आह्वान किया जाता है कि बैन की गई प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल ना करें, बल्कि कागज़ से बनी हुई थैलियों का इस्तेमाल करें। मगर चाहे वो दुकानदार हों या फिर खरीदार, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बैन होने के बाद भी कर रहे हैं और इसी वजह से आज कई दुकानदारों को बैन की गई प्लास्टिक की थैलियां के इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी भरना पड़ा। ठाणे महानगर पालिका के प्रदूषण नियंत्रण कक्ष और घन कचरा व्यवस्थापन की निर्मिता सलगावकर और सुचिता झोंगरे साठे मोते वाघमारे इनकी पूरी टीम ने दारुल फलाह मस्जिद से लेकर संजय नगर तक बैन की गई प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर कई दुकानदारों पर कार्रवाई की है। दुकानदारों के पास से बैन की गई प्लास्टिक की थैलियां बरामद की गई है जिन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। दुकानदार कार्रवाई के दौरान ये कहते हुए भी नजर आए कि ये थैलियां अब नहीं रखेंगे, जुर्माना मत लीजिए, मगर कानूनी तौर पर पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 का जुर्माना उन्हें देना ही पड़ा। इस कार्रवाई में 40,000 रुपये बैन प्लास्टिक रखने के एवज में जुर्माना वसूला गया। वहीं लगभग अनुमानित 100 किलो तक बैन प्लास्टिक की थैलियां बरामद की गई हैं। वहीं मनपा की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि इस तरह की प्लास्टिक की थैलियां गटर नालों में जाकर फंस जाती है और बारिश का पानी नहीं जा पाता है और अब बारिश का महीना करीब है। बैन की गई प्लास्टिक की थैलियां रखने वालों पर अब आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज होगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।